हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा ढिल्लो पर। हमने लास्ट क्लास में मंडल देखे थे कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। मंडल 6 हैं, 4 पहले बनाए गए थे और 2 जो हैं फरवरी 2017 में बनाए गए हैं, वो है करनाल और फरीदाबाद। और उसके बाद करते हैं मंडल 6 हैं और उपमंडल कितने। उपमंडल 82 हैं, 82 उपमंडल हैं और वो कैसे कैसे बने हैं। 62 तो पहले थे, 10 2016 में ऐड किए गए, 2 जो मंडल हैं 17-18 में ऐड किए गए और 8 जो हैं अभी इसी महीने 2022 में, पिछले महीने 2022 में किए गए, एक महीना भी नहीं हुआ है अभी तक बनाए। तो बात करते हैं 2017 और 18 में जो मैंने 2 लिखे हैं वो कौन कौन से। 17 में जो तावड़ू है वो जो कि मेवात का हिस्सा है, और उसके बाद 2018 में लाडवा का कुरुक्षेत्र में है जो उसको बनाया गया था। अब 2022 में कौन कौन बनाए गए हैं, वो 8 बनाए गए हैं। ये मैं बताता हूँ कौन कौन से बनाए गए हैं, ये देखते हैं। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम हैं, जिनका जन्म 5 मई 1954 को निंदाणा गांव में हुआ। अब देखते हैं, इन्होंने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि हरियाणा के नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में हमने 8 नए उपमंडल का गठन किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। अब देखते हैं कि जो कौन कौन से बनाए गए हैं। एक तो भवानी खेड़ा है जो कि भिवानी का हिस्सा है, मानेसर गुरुग्राम में है जो जुलाना जींद में है, नीलोखेड़ी करनाल है, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में है, इसराना पानीपत में है, कलाना और रोहतक में है, छछरौली यमुनानगर में। ये पक्का पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि या तो 3 नाम दे देंगे, एक अलग देंगे वो पूछा जाएगा कि अब कौन सा उपमंडल नहीं बनाया गया, या एक इनमें से दे देंगे 3 कोई और देंगे तो वो पूछा जाएगा कौन सा नया उपमंडल बनाया गया है। ये पूछा जा सकता है कि इसराना कहाँ है, उपमंडल कौन से ज़िले में आता है, पानीपत में आता है, जैसे ऐसे पूछा जा सकता है। हम इसको याद करके चलेंगे। अब मैंने बताया कि मंडल 6 हैं, उपमंडल 82 हैं, तो तहसील कितनी है। तहसील अब 94 हो चुकी है, और जो मुखिया होता है तहसील का उसको तहसीलदार बोलते हैं। ऐसे ही उप तहसील कितनी है, उप तहसील 49 है, 49 हैं, जिनका जो मुखिया है वो नायब तहसीलदार होता है। कुल ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक 142 है, 140 प्लस 2 हैं, जो 2 नए ब्लॉक बनाए गए हैं 2019 में, दारूहेड़ा जो कि रिवाड़ी में है, और 2020 में मछरौली जो कि झज्जर में है वो बनाया गया। अब ये मैंने बता दिया है, मनोहर लाल खट्टर ने जो ट्वीट करके भी बताया था। उसके बाद पंचायत समिति कितनी है, पंचायत समिति है 126। पंचायत समिति का गठन होता है जो ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो पंचायत समिति है वो सोनीपत ज़िले में है 8, और सबसे कम जो है वो 2 है। इसके बाद बात करते हैं जिला परिषद कितनी है। जिला परिषद जो है वो 21 है, क्योंकि जिला परिषद जो गठन है वो जिला स्तर पर किया जाता है, और लास्ट जो चुनाव हुए थे जिला परिषद के 2015 में हुए थे, क्योंकि 2016 में चरखी दादरी को बनाया गया है, इसलिए 2015 तक 21 ही ज़िले थे, तो 21 ज़िलों में ही जो है चुनाव हुए और 21 ही जिला परिषद है। अब 2022 में जो नवंबर महीने में होंगे उसमें अब 22 हो जाएंगी, अब तक 21 थे, अब आगे 22 हो जाएंगी। अब बात करते हैं राज्य की राज्य व्यवस्था। एक राज्य की 3 तरीके से होती हैं, एक होता है विधायिका जो कानून बनाती है, कानून लागू करती है और उसका पालन करवाती है न्यायपालिका। अब बात करते हैं हरियाणा की इसमें क्या है, विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं। विधायिका में राज्यपाल होता है, विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है, जिसको निम्न सदन कहा जाता है। अब बात करते हैं हरियाणा की कैसी है। हरियाणा की 2 अंग हैं जो विधायिका है उसके, राज्यपाल और विधानसभा, क्योंकि हरियाणा में जो विधान परिषद है वो हरियाणा में नहीं है, इसलिए 2 अंग हैं और एक सदन है। अब ये पूछ लिया जाता है जो हरियाणा की विधानसभा है वो कैसी है, वो एक सदनात्मक है, एक सदन है जिसमें एक सदनात्मक है। अब बात करते हैं राज्यपाल और विधानसभा, तो पहले राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल, अब राज्यपाल में देखते हैं कि राज्यपाल का जो संवैधानिक उल्लेख है वो 153 में किया गया है। राज्यपाल क्या होता है, एक तरीके से जासूस की तरह कार्य करता है। जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है, एक केंद्र सरकार को राज्य सरकार से जोड़ कर रखता है। राज्यपाल की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये पहले ये पूछा जाता कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सीधा आ जाता था राष्ट्रपति, अब ऑप्शन में ऐसा आने लगा है प्रधानमंत्री की सलाह पर,
सीजीआई की सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर या राष्ट्रपति द्वारा खुद ही, तो ये ऐसे पूछ लिया जाता है। तो अब मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के काम जो सारे होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर ही किया जाता है। जो शपथ है वो राज्यपाल को वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। अब बात करते हैं कार्यकाल कितना होता है। अगर कार्यकाल 5 अधिकतम 5 वर्ष होता है या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, अगर दोनों ऑप्शन में है तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होगा। अगर ऐसे दे रखा 2 3 4 5 6 तो 5 साल होगा। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है राष्ट्र जो राज्यपाल बनने की, वो 35 वर्ष होती है। और किसी भी राज्य में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा भी उल्लेख है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि राज्यपाल होता वो एक तरीके से जासूस के रूप में कार्य करता है। वो सारी जो राज्य की बातें हैं वो राष्ट्रपति को बताता है। तो अगर हमें कोई जासूस नियुक्त करना, जैसे हमें पाकिस्तान में कोई जासूस छोड़ना है, तो क्या हम उसको पाकिस्तानी को पर ही भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्या पता किस समय उसके लिए उसको देश प्रेम जाग जाए। तो ऐसे ही राज्यपाल का कार्य है। तो राज्यपाल भी जिस स्टेट का है उस स्टेट में वो खुद राज्यपाल नहीं बन सकता, उस स्टेट का व्यक्ति नहीं बन सकता, वो दूसरे स्टेट का बन सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे जो हरियाणा में हैं 18 राज्यपाल हुए हैं और वो सभी बाहर से ही थे, हरियाणा से कोई भी नहीं था। तो बात करते हैं आर्टिकल 167 की। मुख्यमंत्री के जो सारे काम होते हैं राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं? नई विधानसभा का प्रथम सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास होता है। विधानसभा में प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रोटम स्पीकर क्या होता है? जो सभी को शपथ दिलाता है उसको प्रोटम स्पीकर बोलते हैं। ये काम चलाऊ होता है, काम चलाऊ स्पीकर। और आगे बात करते हैं राज्य की विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट राज्यपाल के नाम पर ही पेश किया जाता है। ये पूछा जाता है काफ़ी बार हरियाणा की विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वो किसके नाम पर पेश किया जाता है, तो वो राज्यपाल के नाम पर पेश होगा। अब हम पढ़ते हैं जो 18 व्यक्ति राज्यपाल हुए हैं हरियाणा के, वे कौन कौन से हुए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता के चलूँगा। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पहले जो राज्यपाल रहे हैं धर्मवीर। इनका जन्म बिजनौर यूपी में हुआ है। इनका कार्यकाल लगभग 10 महीने हुआ। ये इनकी तस्वीर हैं, काफ़ी सीरियस लग रहे हैं। उनके बाद बात करते हैं बीएन चक्रवर्ती की। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये कहाँ के थे? ये वेस्ट बंगाल से थे। देखो चक्रवर्ती है नाम में, और आपने सुना होगा रिया चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, वो भी बंगाल से हैं और ये भी बंगाल से हैं। ज़्यादा चक्रवर्ती लोग वहीं पाए जाते हैं। और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले स्टेट में भी पूछा गया था कि सबसे जो ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो वो भी बीएन चक्रवर्ती है और इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा था। ये बीएन चक्रवर्ती की तस्वीर है। उसके बाद इनके नाम एटलीस्ट सभी को पता होना चाहिए क्या क्या नाम है, क्योंकि जो पीछे पीछे से पीछे वाला एस्टेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा। तो हमें राज्यपाल के सभी 18 के 18 नाम को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। तो तीसरे थे रणजीत सिंह नारूला, चौथे थे जयसुख लाल हाथी, पाँचवें थे हरचरण सिंह बराड़, छठा है सुरजीत सिंह सांधवालिया। और उसके बाद हैं गणपत देव तापसे, सैयद हुसैन बरनी, हरियानंद बराड़ी, धनिक लाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद। और उसके बाद बात करते हैं एआर किदवई, और उसके बाद ओम प्रकाश वर्मा है। ओम प्रकाश वर्मा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे लगभग 6 दिन रहे थे और सबसे कम कार्यकाल वाले जो राज्यपाल हैं वो ओम प्रकाश वर्मा हैं, जिनका जन्म यूपी में हुआ था। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया, उनके बाद कप्तान सिंह सोलंकी जो कि जिनका जन्म भिंड एमपी में हुआ था। उसके बाद जो 17वें राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्या थे। उसके बाद बंडारू दत्तात्रेय जो कि अब हैं वर्तमान में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये 17वें थे, कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है? वो है बंडारू दत्तात्रेय। इनका जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में। अगर तेलंगाना ऑप्शन में तेलंगाना करेंगे। और ये 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। ये तीनों क्वेश्चन अनेकों बार पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में। उसके बाद बात करते हैं ऐसे व्यक्ति हरियाणा से जो कि दूसरे राज्यों और यूटी के राज्यपाल रहे हैं। पहली आती हैं चंद्रावती। चंद्रावती का जन्म चरखीदादरी के डालावास गांव में हुआ और ये 1990 में पांडिचेरी की उपराज्यपाल रही और हरियाणा से एकमात्र ऐसी महिला हैं। और जो ये पांडिचेरी है वो यूटी है और यूटी में क्या होता है? राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है।
ये चंद्रावती की तस्वीर है, साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये ऑफिशियल साइट से निकाली है लिस्ट, आप ये देख सकते हैं सबसे पहले कौन थे, कितने कितने टाइम तक रहे। सबसे पहले हैं धर्मवीर, हैं धर्मवीर जो हैं लगभग 10 महीने रहे। बीएन चक्रवर्ती जो कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा। रणजीत सिंह नारूला, जय सुखलाल हाथी, हरचरण सिंह बराड़, सुरजीत सिंह सांधवालिया, गणपत देव तापसे, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी, हरियानंद बुराड़ी, धनिकलाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, ओम प्रकाश वर्मा, ए आर किदवई, जगन्नाथ प्रसाद, कप्तान सिंह सोलंकी, सत्यदेव नारायण आर्य, और 18वें जो हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो कि 7 जुलाई 2021 से चले हुए हैं। ये बंडारू हंसता खेलता चेहरा ये बंडारू दत्तात्रेय जी का है। उसके बाद बात करते हैं सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। देखो कैसे याद करना है, मैं पीछे भी बताना भूल गया, जो मैंने बताया था चंद्रावती, चंद्रावती चरखी दादरी, जैसे चंद्रावती जैसे चरखी दादरी, वो चरखी दादरी में पैदा हुई हैं, सैसे सुल्तान सिंह हैं और ये सोनीपत से पैदा हुए, सोनीपत में से संबंध रखते हैं ये, जो कि 1989 से लेकर 90 तक त्रिपुरा के गवर्नर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं भगवत दयाल शर्मा, जिनका जन्म बेरी झज्जर में हुआ, हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम, हरियाणा के पहले सीएम जिनको बनाया गया था, इनका जन्म बेरी झज्जर में हुआ है। ये दो राज्यों के राज्यपाल रहे, उड़ीसा के 1977 से 1980 उड़ीसा के रहे और 1980 से 1984 मध्य प्रदेश के रहे, और मध्य प्रदेश के भोपाल में इन्होंने सावित्री कुंज भी बनवाया है अपनी पत्नी की याद में। उसके बाद रणजीत सिंह दयाल, ये कुरुक्षेत्र से संबंध रखते थे, रणजीत सिंह दयाल पांडिचेरी और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल रहे। उसके बाद बात करते हैं हंसराज भारद्वाज, इनका जन्म जो हुआ है घड़ी सपला रोहतक में हुआ है और 2009 से लेकर 2014 तक कर्नाटक के राज्यपाल रहे और केरल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट के दो हैं, गणेशी लाल हैं जो, और आचार्य देवव्रत हैं। जो गणेशी लाल हैं वो सिरसा से आते हैं और ये वर्तमान में उड़ीसा राज्य के गवर्नर हैं, ये आप देख सकते हैं गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल जी हैं। उसके बाद आचार्य देवव्रत हैं, ये संभाल का पानीपत से आते हैं, वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं, गुजरात के ये हैं आचार्य देवव्रत। थोड़ी तस्वीर छोटी लगाई है जगह नए होने के कारण, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है देखते हैं। राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब जो एक राज्य में जो मंत्रिपरिषद है वो विघटित हो जाए, या जो सत्ता पक्ष है वो अपनी मेजोरिटी पेश ना कर पाए राज्यपाल के आगे, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। और जो हरियाणा है उसमें 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगा है 20 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा है ये। इसमें जो सीएम थे वो राव बीरेंद्र सिंह थे जब ये लगा, और राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती हैं। देखो राव बीरेंद्र सिंह भी दूसरे हैं और बीएन चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और जो राष्ट्रपति डॉक्टर जौकिर हुसैन, ये भी दूसरे हैं, दूसरे नहीं आप कहेंगे तीसरे हैं, दूसरे मैं कैसे कह रहा हूँ, दूसरा मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि जब हरियाणा बना जब वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उसके बाद ये दूसरे ही तो हैं हमारे लिए, तो हरियाणा के लोगों के लिए, मतलब हरियाणा के लोगों के लिए तीसरे हैं लेकिन आप दूसरा ही समझ सकते हैं। जैसे चेंज हुआ, ये एक एक चेंज हुए तो ये भी चेंज हो रखा है। पीएम वही हैं जो गठन के समय थी इंदिरा गांधी। उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने बंसीलाल का चेहरा लगाया है, आगे देखते हैं क्यों लगाया है मैंने बंसीलाल का, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के ख़त्म होते ही चुनाव में जो जीत हासिल की थी वो बंसीलाल ने की थी, और ये हंसता खेलता चेहरा बंसीलाल जी का है। उसके बाद सेकंड राष्ट्रपति शासन कब लगा, ये लगा 30 अप्रैल 1977 से लेकर 20 जून 1977 तक, 30 अप्रैल से लेकर 20 जून तक लगा, ये सबसे कम समय तक लगा। और यहाँ जो सीएम थे वो बनारसी दास गुप्ता थे, और जो राज्यपाल थे वो जय सुखलाल हाथी से, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो बीडी जत्ती थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और जो पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे, और चुनाव के बाद जो आए हैं वो चेत्री देवीलाल आए हैं, ताऊ जिनको जननायक के नाम से जाना जाता था। और थर्ड राष्ट्रपति शासन लगा है
6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। उस समय जो सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला थे, राज्यपाल धनिक लाल मंडल थे, और जो राष्ट्रपति थे वो आर वेंकट रमन थे, और जो पीएम थे वो पी नरसिम्हा राव थे जब लगा हुआ था, और जब ख़त्म हुआ जब तक बदल चुके थे वो चंद्रशेखर थे। और जो तीसरे चुनाव के बाद चौधरी भजन लाल जी आए, ये इनका भजन लाल जी का चेहरा है आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आँखों से देखे हुए चीज़ होती है ना वो लंबे समय तक याद होती रहती है। एक बार मैं रिविज़न करवा देता हूँ, जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, दूसरा लगा आप देख सकते हैं 1977 में, और तीसरा 1991 में लगा, और इनका ही डेट भी याद रखनी है। अब जो एग्जामिनर है वो काफ़ी शातिर हो चुका है, चालाक हो चुका है, वो सब याद करके चलना पड़ेगा। और जो हरियाणा पॉलिटी है उसकी 3 से 4 क्लासेस और रहेंगी, और इसमें पूरी हरियाणा पॉलिटी कवर हो जाएगी, और हरियाणा पॉलिटी से एचटेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा मेरा अनुमान है। थैंक यू सो मच, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।